अब नाम बोलिए बेटी। मेरा नाम रेखा सिदार है, मैं जयपुर जिले के पत्थर गाँव से आई हूँ। मेरे लकवा पेशेंट हूँ, एक बार आई थी फिर उसके बाद दोबारा आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा फर्क रहा मेरे को तो चलने फिरने में। थोड़ा भी कमर दर्द दे रहा था तो आज तो ठीक कर दिए हैं, आज तो दर्द नहीं दे रहा है। दोबारा आई तो आपको आराम हुआ? हाँ, पहले बार मैं जब आई थी तो उस टाइम आराम था, फिर दोबारा आई तो आपको आराम हुआ? हाँ। अच्छा, ये जब आपको पैरालिसिस हुआ तो कैसे मालूम चला था सबसे फर्स्ट है? नहीं, ऐसे झुंझुने जैसे हुआ था, पहले तो पता भी नहीं चला मेरे को। हाँ। मतलब कुछ एक्टिविटी कर रही थी क्या? नहीं कर रही थी, कुछ रात को हुआ। अच्छा। हाँ। फिर डॉक्टर को दिखाई थी? डॉक्टर के पास तो नहीं गई हूँ अभी। कितना दिन हुआ पूछो? एक साल हो गया है। खड़ा होकर दिखाओ, देखो फिसल रहा है। अब फिसलना फिसलना सब सिखाएंगे। पहले से इजी है, दो बार मेरी रिकवरी इसकी है, ज्यादा है फास्ट रिकवरी है इसकी, चार पांच बार में एकदम बिल्कुल क्लियर है, पहले से इजी। तो इसका वीडियो ही होना है, बोले हैं हाथ क्रिया बदल देगी और साथ साथ आपकी पली पकड़ करके हाथ उठा नहीं सकेगी, हाथ क्रिया बदल देगी, मिट्टी लगाएगी और हल्दी दूध लेगी, यही इतना सीन था बात, और कोई दवाई वाई लेना बंद करेगी। चलो ये आज का मेरे आदरणीय और सम्माननीय दर्शकगण, मैं आपका संबोधन बढ़िया से नहीं कर पाता ये मैं जानता हूं, चूंकि साहित्य वाहित्य का आदमी हूं नहीं, तो जो मुझे आता है उतना ही आपको अभिवादन देता हूं। देखिए, ये एक महिला है और ये महिला जो है ये आंगनबाड़ी में टीचर का काम करती हैं और ये पैरालाइज हो गई और 1.5 साल पहले ये पैरालाइज हुई। बहुत जगह ये घूमी, बहुत सारी दवाइयां ली, बहुत परेशान रही, एकदम हाथ पांव शिथिल हो गए, उसके काम नहीं करते, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया। तो इसने पूछा कि और लोगों के इलाज में और आपके इलाज में क्या अंतर है जिससे आप हम लोगों को 1 घंटे में ही अंतर दे देते हैं। इसने पूछा तो मैंने बताया कि देखो बेटा, आज तक जितने लोग देखे थे वो तुम्हें नहीं देखे थे, वो तुम्हें नहीं देखे थे, वो एक वर्ड देख रहे थे, पैरालाइज हो गया। और पैरालाइज होने पर क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये बात नहीं देखे। वो एक लाइन जानते हैं कि स्ट्रोक लग गया, ब्रेन स्ट्रोक लग गया। और मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पास जब आई तो तुम्हें लगा कि अवसर मैंने हॉस्पिटल में आए, ऐसा नहीं लगा होगा। तो बोली कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं लगा, ऐसा लगा कि जगह घर में आए। तो मैं हर अंग को देखता हूं, कौन सा अंग मैकेनिकली वो फिट है, नहीं फिट है, काम करता है नहीं करता है, सिग्नल रिसीव करता है नहीं रिसीव करता है, सिग्नल के बाद फंक्शन में वो आता है नहीं आता है, आपके पूरे बॉडी में क्या क्या ऐसा डिफरेंस हो गया जो मेमोरी से लॉस हो गया, ये सब चीज को हम रीड करते हैं और रीड करने के बाद उसी के अनुकूल बॉडी को हम सजाते हैं। और ये काम और कोई नहीं करता भाई, और इसलिए मेरे यहां आने वाले सारे रोगी एकदम टोटली पॉजिटिव में बात करते हैं और ये कहते हैं कि आप एक जादूगर की तरह हाथ से छूते और ठीक हो जाते। तो जादूगर की तरह ठीक हो जाते शब्द नहीं है भाई, मैं अपने दृष्टि में तुम्हें एक मां जैसे पुत्र को देखती है, वैसे मैं तुम्हें देखता हूं। और वो इस स्टैचू में क्या क्या अंतर है, तेल लगाते समय वो देखती है कि पैर को सीधा करके अगर हाथ लगाएंगे तो ये मसल सीधा होगा, उस तरह मैं हर एक पार्ट को पढ़ता हूं, कौन सा पार्ट क्या दिक्कत दे रहा है इस बात को पढ़ता हूं और उस पार्ट को हम सारे मसलों को बनाते हैं
अपने लाइन में डालते हैं, बनाते क्या हम, बनाते तो थोड़े हैं, ऊपर वाले बना के देते हैं, जो विकृत हो गया होता है उसको हम सजाते हैं और सजा करके फिर से उसको चला के देखते हैं एक्शन में कितना अंतर आया। तो हर एक स्टेप पर हम देखते हैं बेटा, इसलिए तुम्हें ज्यादा फायदा मिलता है। और लोग तो देखते हैं तो एक मिनट में आए बोले MRI करा लो, CT स्कैन करा लो, पुराना करा लो, शॉर्ट हो टेस्ट करा लो, और टेस्ट कराकर टेस्ट रिपोर्ट दो, हम तुमको बता देंगे। ऐसा नहीं है, पूरे बॉडी को हम अक्षरशः जैसे किसी का किताब को पढ़ते हैं वैसे हम पूरे बॉडी को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद तुम्हारी सारी विकृति को दिखाते हैं और फिर बना के भी दिखाते हैं कि तुम्हारी विकृतियां खत्म हो गई। ऐसी चिकित्सा कोई नहीं करता, इसको तो बॉडी का सर्विस बोलते हैं। तो बॉडी का हम सर्विस देते हैं बेटा, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा फायदा मालूम है। बोले पहले दिन से भूख लगने लगता है, पहले दिन से पखाना साफ होने लगता है, पहले दिन से वो गैस नहीं बनता, प्रेशर नहीं होती, प्रेशर कम हो जाता है, हाथ वाथ लगता है लूज हो गया, तो ये मालूम होने लगता है। तो ये कारण इसका ये है कि मैं उसको अक्षरशः देखता हूं और अक्षरशः सजाता हूं, ये मेरा मिलाता हूं, जैसे मशीन को कोई मिलाता है वैसे मिलाता हूं, मिला करके तब देता हूं। तो एक घंटा टाइम मुझे मिलाने में लगता है, जो वो मेरा पूरा उनके कई एक सर्जरी करने के बराबर का वो टाइम होता है। और किस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, कितना स्पेस है, कितना टिश्यू बंद है, कितना टिश्यू खुला हुआ है, वो सारी चीजों को देखते हैं और देख करके वो टिश्यू को साफ करते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि कुछ एक टिश्यू के पूरा शरीर का लंबाई होता है, वो लंबाई में अंदर में माल रह जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम बोलते हैं कि मिट्टी लगाओगे तो मिट्टी के साथ आकर के बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो टिश्यू खाली हो जाएगा, तो पूरा एयर जाने लगेगा, और एयर जाने लगेगा तो फिर फंक्शन पूरा करने लगेगा। ये तो एयर की ही बीमारी है। तो इसलिए मेरी चिकित्सा में और लोगों की चिकित्सा में यही अंतर है कि मैं आपको जो देता हूं सेवा देता हूं, सर्विस देता हूं, चिकित्सा नहीं देता। चिकित्सा लोग देते होंगे और लोग दवा खिला देते हैं, दवा खिलाना मतलब कि हम चिकित्सा नहीं जानते, हम चिकित्सा नहीं जानते, विषय के बारे में कम जानते हैं, कम नॉलेज है, इसलिए हम उसको देते हैं। हमारा कहना है कि ये विकृति पैदा ही क्यों हुई, कौन सा ऐसा गलत काम किया, मैनुअल क्या गलत बॉडी में लिया जिससे यह हुआ, तो विकृति को साफ करना ये मेरा काम है। आज इस रोगी के साथ आप इस ट्रीटमेंट सुनेंगे और सिर्फ सुनने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस रोगी क्या बोला। ये दूसरा बार आया था और दूसरे बार में आज के दिन वो हाथ को सीधा करके चल रही थी, पहले वो ऐसे करके हाथ चलती थी। तो ऐसे हाथ करके चलना और ऐसे हाथ करके चलना दोनों में डिफरेंस है। बोलती है कि अब ब्लैक बोर्ड के सामने पूरा हम खड़ा होकर काम कर लेते हैं, कुर्सी पर आराम से बैठ लेते हैं, खड़ा हो लेते हैं, पहले हस्बैंड लेके जाते थे छोड़ते थे। तो ये सब काम देखो भाई, जब उसको समझेगा और समझाते भी उसी तरह है, किसी को हम ये नहीं कर देंगे जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास में फिजियोथेरेपी करा लेना, ऐसा नहीं। तुम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने व्यवस्था में रह करके जो उत्तेजनाएं हैं, जो विचार में उत्तेजनाएं आती हैं, उन उत्तेजनाओं की पूर्ति करना, ये सब काम है। देखो कितना आराम से आके खड़ा हुई और कितना हॉबी के साथ खड़ा हुई। तो मैंने उस पर काम किया जो वो पुत्रवत किया, पैतृक वे में किया, वो मैं टाल के काम नहीं किया या पैसा लेने के लिए काम नहीं किया। पैसा से और सफलता से बहुत अंतर होता है बेटा। तो मैं सर्विस देता हूं और सर्विस देने से कोई भी काम अच्छा होता है। चलिए आज की बात मैं इतना ही दूर तक लेके आया और आप लोगों से मेरा सलाम, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग इस बात को कितना समझ पाए, मैं इस बारे में फिर जानूंगा आपसे, आपके कॉमेंट पर।